फर्स्ट टॉपिक, आपका क्रश आपसे कब मिलने आएगा। सेकंड टॉपिक, जो आपका क्रश है क्या आप भी उसका क्रश हो। थर्ड टॉपिक, क्या आपका क्रश आपसे शादी करना चाहता है या नहीं। सबसे पहले तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं कि आपका क्रश आपसे मिलने कब आ रहा है। 4, 5 या 6 नंबर चूज करो, देन उसके बाद अपना आंसर देख लो। सबसे पहले आंसर होगा नंबर 4 का, जिसमें है आपके लिए ये वाला, उसका दिल तो करता है आपको देखने का, तो हो सकता है जल्द मिलना भी हो दोनों का। देन अब इसके बाद है आपके लिए नंबर 5, देखते हैं इसमें आंसर क्या है आपका। हो सकता है कुछ डेज के बाद मिलना हो आपका उनसे और उनका आपसे। अब है आपके लिए ये वाला नंबर 6, अगर चूज़ किया है तो आपका आंसर है अभी तो मुश्किल है दोनों का मिलना, हो सकता है बाद में मिलना हो कभी दोनों का। सेकंड टॉपिक देखते हैं आपका, जो आपका क्रश है क्या आप भी उसका क्रश हो या नहीं। इसके लिए भी आपको नंबर चूज़ करना है 8, 1 या 0 अपना। सो फ्रेंड्स, अगर चूज़ किया है नंबर 8 आपने, तो आपका आंसर है ये वाला इसमें, यस आप भी उसका क्रश हो जो आपका क्रश है। देन अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में, अगर आपने 1 नंबर चूज़ किया है तो आपका आंसर है नो, आप उसका क्रश नहीं हो जिस पर आपको क्रश है। इसके बाद है 0 नंबर का आंसर, देखते हैं इसमें क्या लिखा हो सकता है। सो आपका आंसर है यस, आप उसका क्रश हो। अब आपका लास्ट टॉपिक है, क्या आपका क्रश आपसे शादी करना चाहता है या नहीं। अगेन आपको नंबर चूज़ करना है 2, 3 या 9 में से अपना एक कोई भी। सो फ्रेंड्स, अगर चूज़ किया है नंबर 2 आपने, तो आपका आंसर है ये इसमें, जो उसकी फैमिली बोलेगी वो बस वही करेगा। अगर उसकी फैमिली ने बोला आपसे शादी करने के लिए तो यस वो करेगा, अदरवाइज नहीं। 9 नंबर का आंसर आपका है, चाहता तो है वो आपसे शादी करना, तो उसकी शादी हो सकता है आपसे ही हो। इसके बाद है लास्ट नंबर 3, नाउ लेट्स सी क्या आंसर हो सकता है आपका। यस आपके क्रश की विश है आपसे शादी करना, तो शादी हो सकती है दोनों की। बाय।